अरे दोस्तों नमस्कार। हम PNST काउंसलिंग में जो लगने वाले डॉक्यूमेंट्स हैं उसको लेकर आए हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। बहुत सारे कमेंट्स हमें आ रहे हैं और बहुत सारा कंफ्यूजन आप लोगों को है। छोटा सा शॉर्ट सा वीडियो है, बहुत ध्यान से पूरा बिना स्किप किए देखिएगा। आपके डॉक्यूमेंट्स काउंसलिंग में लगने वाले डॉक्यूमेंट्स की जो डाउट या जो भी समस्या है वो पूरी हो जाएंगी। ठीक है, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं MPPNST 2022 काउंसलिंग में लगने वाले डॉक्यूमेंट्स की। उससे पहले मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ रिजल्ट की जो अपडेट है। ठीक है, अभी कोई अपडेट आया नहीं है। 15 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में ही आपका PNST रिजल्ट आएगा। ठीक है, काउंसलिंग उसके बाद जैसे रिजल्ट आता है उसके बाद ही स्टार्ट होगी। काउंसलिंग में जो राउंड है फर्स्ट राउंड अधिकतम सेकेंड राउंड हो सकते हैं। कई वीडियोज़ में आप यूट्यूब पर देख रहे हैं जो कि छत्तीसगढ़ के, राजस्थान के, अन्य राज्यों के हैं, तो वहाँ पे काउंसलिंग के 3 राउंड, CLC राउंड ये सब दिखाए जा रहे हैं। ओपन जो काउंसलिंग होती है कॉलेज लेवल पे, CLC राउंड बोलते हैं, कॉलेज लेवल काउंसलिंग अपने यहाँ नहीं होती है MP में। ठीक है, हमारा जो हम जो है इस चैनल को या हम जो कोचिंग चलाते हैं लक्ष्य कोचिंग अकेडमी, हमारे 6th से लेकर 12th तक का स्कूल लेवल का काउंसलिंग है, कोचिंग है। प्लस इसमें हम PNST और बैंक, रेलवे, पटवारी, नवोदय, ज्ञानोदय, सैनिक स्कूल, ऐसे चीज़ों की तैयारी कराते हैं। ठीक है, तो MPA कोचिंग है, हम बालाघाट से इसको ऑपरेट करते हैं, बालाघाट MP से इसको ऑपरेट करते हैं, बालाघाट में हमारा ये कोचिंग है। ठीक है, तो हम MP की बात, यहाँ पे MPPNST की बात कर रहे हैं। तो दूसरे वीडियोज में आप देखते होंगे वो छत्तीसगढ़ के वीडियो होते हैं, राजस्थान के वीडियो होते हैं, वहाँ पे अलग अलग बातें बताई जाती है। सब राज्यों का अपना अलग अलग क्राइटेरिया है रिजल्ट का, रिजल्ट को लेकर के, काउंसलिंग को लेकर के। तो थोड़ा सा जब आप वीडियो देखते हो इस बात का ध्यान रखिएगा कि यदि आप MP के हैं तो क्या ये MP के लिए बताई जा रही है बात, यदि राजस्थान के हैं तो क्या राजस्थान के लिए बताई जा रही है बात। इसलिए मैं यहाँ पे क्लियर लिख देता हूँ कि MPPNST के संबंध में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो कन्फ्यूजन काफ़ी आता है, इसी वजह से आप हम लोगों को कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन करते रहते हैं, सर यहाँ वहाँ इस वीडियो में तो ऐसा बताया जा रहा है, इस वीडियो में तो ऐसा बताया जा रहा है। तो आप थोड़ा ध्यान रखिए इस बात का कि कहाँ आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस राज्य से बिलोंग करते हैं और वहाँ की क्या कंडीशन है। ठीक है, तो मैं MP के लिए स्पेशल बता रहा हूँ आप लोगों को। तो अपने यहाँ जो काउंसलिंग होती है वो या तो एक ही राउंड में होती है, यदि एक राउंड में सीट बच जाती है तो सेकंड राउंड की काउंसलिंग के चांसेस CLC हमारे यहाँ पर नहीं होता है MP में। ठीक है, ये बात समझ लीजिए। दूसरी बात, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ आपको गवर्नमेंट कॉलेज। तो गवर्नमेंट कॉलेज होता है DHS और DAV। ये जो गवर्नमेंट कॉलेज की हम बात कर रहे हैं ये PNST की थ्रू ही इसमें सिलेक्शन होते हैं, PNST की थ्रू ही आप इसमें जाते हैं ना। DHS और DAV ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल कॉलेज हैं और ये मेडिकल कॉलेज होते हैं। तो ठीक है, इसमें तो यहाँ PNST के थ्रू ही जाते हैं। PNST जिसने नहीं निकाला है, जिसका सिलेक्शन PNST में नहीं होता है, वो इसमें नहीं जा सकता है, उसके लिए प्राइवेट कॉलेज है। मैं इसके बाद में करूँगा, अभी गवर्नमेंट कॉलेज की बात मैं कर रहा हूँ। तो आप लोगों को सब पहले की वीडियो में सारी चीज़ें मैंने क्लियर करा दी है। जो DHS है उसमें जो फ़ी होती है वो बिल्कुल, जो फीस है वो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब नो फीस होती है इसमें, जीरो फीस होती है, कोई फीस नहीं है। पर इसमें जो फीस है वो है 28,000 रुपये, एक्चुअल है 25,000 रुपये, पर उसमें 25,000 में 25,000 रुपये है, जिसमें जो है 1,000 रुपये जो है कंप्यूटर की फ़ीस, 1,000 रुपये जो है इसमें 25,000 रुपये की 1,000 कंप्यूटर की फ़ीस होती है, 1,000 जो है काउंसलिंग की फ़ीस होती है, और ऐसे 1,000 जो है उसमें कुछ और भी एक एक्स्ट्रा फीस होता है। कुल मिला के 28,000 रुपये है फीस है इसकी टोटल मिला करके। ठीक है, साल भर की, एक साल की, और इसमें आपको 42,000 रुपये की, ये दोनों में ही DHS और DME दोनों में ही 42,000 रुपये पर ईयर, यानी 3,500 रुपये महीने, 12 महीने के बनते 42,000 रुपये, दोनों में ही आपको स्टाइफंड बोल दीजिए, चाहे स्कॉलरशिप बोल दीजिए या पेमेंट आप बोल दीजिए, एक तरह से ये आपको मिलता है। ठीक है, तो ये हो गए PNST। PNST के थ्रू ही आप DHS और DME में जा सकते हैं। ठीक है, कोई बिना PNST के थ्रू आप इनको में जा सकते हैं। इन्हीं को अपन गवर्नमेंट कॉलेज बोलते हैं। ये सेमी गवर्नमेंट होते हैं, ऑटोनोमस कहा जाता है इसको, मेडिकल कॉलेज सेमी गवर्नमेंट है और ये गवर्नमेंट कॉलेज है। ठीक है, इसमें नो फीस है, इसमें 28,000 फीस है, इतना। प्राइवेट कॉलेज की बात करें, जो PNST जिसका क्रैक नहीं होता या PNST के थ्रू नहीं जाता है, वो परसेंट या डोनेशन बेस पर किसी भी प्राइवेट कॉलेज से कोर्स कर सकता है। हमारे यहाँ पे MP में बहुत सारे BSc नर्सिंग के कोर्स कराने वाले प्राइवेट कॉलेज हैं जिनकी फीस लगभग 70,000 रुपये से 1,00,000 रुपये पर ईयर होती है। 70,000 रुपये से 1,00,000 रुपये, ठीक है, किसी में कम ज़्यादा, 70,000 से 1,00,000 रुपये पर ईयर होती है। यदि आप 4 साल का कोर्स कर रहे हैं तो लगभग 4,00,000 से 5,00,000 रुपये का आपका खर्च आता है। यदि आप इस फीस को एफोर्ड नहीं कर पाते हैं, 4 से 5 लाख के फीस को, या 1,00,000 रुपये पर ईयर लगभग लगता ही है मोटे मोटे तौर पर सारा कुछ मिलाकर के 1,00,000 रुपये, यदि नहीं एफोर्ड कर पाते, इसमें देने में सक्षम नहीं है, तो आप PNST का एग्जाम निकाल लीजिए और ये कम से कम में कर लीजिए। और एक बात और, प्राइवेट कॉलेज से यदि आप BSc नर्सिंग का कोर्स करते हैं तो आपको जॉब लगने के लिए फिर से एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, जैसे कि अभी ग्रुप 5 का निकला हुआ है। ठीक है, मैंने उसका भी वीडियो डाला हुआ है, PEB ने ग्रुप 5 का स्टाफ नर्स, पर उसमें फीमेल्स नहीं है अभी, सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी,
ठीक है, पुरुष स्टाफनर्स, मेल स्टाफनर्स और बाकी ऐसे 28 पदों पर पोस्ट निकली, उसका भी वीडियो मैंने डाला है, देख लीजिएगा। ठीक है, और समय समय पर जो भी कोई ऐसा अपडेट आएगा पीएबी का, जो भी वैकेंसी आएगी मैं उसमें डालते रहता हूँ, आप लोग देखते रहिए। इसके लिए हमारे चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ में, ताकि कोई भी जो भी जानकारी है आता है, कुछ भी वैकेंसी आती है, कुछ भी नया पीएनएसटी को लेकर के नया सर्कुलर आता है, तो मैं आपको उसकी जानकारी देता रहूँगा। इसलिए आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको वो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुँच जाए। ठीक है, तो इसकी फीस यदि एफोर्ड कर पाते हैं तो ठीक है, पर इसमें बताया मैंने कि यदि आपको इससे आप कोर्स करते हो तो आपको एग्ज़ाम मतलब जॉब लगने के लिए वैकेंसी निकलती है, उसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम यदि निकालते हो तो आपको जॉब लगेगी। ठीक है, इसमें यहाँ पे ये बात भी समझने वाली कि जॉब किस किस की लगती है, मतलब नर्सिंग में बहुत सारे फील्ड होते हैं। ठीक है, CHO होता है, हेल्थ कम्युनिटी ऑफिसर जो उप स्वास्थ्य केंद्र की अधिकारी मान जाती है। ठीक है, स्टाफ नर्स होता है, स्टाफ नर्स में भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, तो वो किन किन कैटेगरीज में लगते हैं तो ये आप लोग को माल पता भी है, और मैं इसका वीडियो बहुत जल्द आपको जो है इसका वीडियो देने वाला हूँ कि PNST नर्सिंग का ट्रेनिंग करने के बाद या BSc नर्सिंग करने के बाद अब किन किन पोस्ट पर आपकी पोस्टिंग होती है, नौकरी आपको लगती है, कहाँ कैसे स्तर पर आपको नौकरी करना होता है, है ना, कितनी पोस्ट है, मतलब उसमें जा सकते हैं आप, इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पर भी ध्यान रखेंगे, PNST में जितने ज़्यादा आपके नंबर आते हैं, यहाँ पे एक बात का और ध्यान रखना कि PNST में जितने ज़्यादा आपके नंबर आते हैं आपका कोर्स करने के बाद, क्योंकि ये ट्रेनिंग है, ये कोर्स विथ ट्रेनिंग है, मेन तो ट्रेनिंग है। ठीक है, इसमें एग्ज़ाम देखिए PNST के एग्ज़ाम में लिखा ही रहता है ना, ये इसमें ट्रेनिंग कोर्स होता है, ये कोर्स तो है ही है, ट्रेनिंग कोर्स है। तो यहाँ पे जितने अच्छे ज़्यादा नंबर आप PNST में लाते हैं उतनी ऊंची पोस्ट, मतलब जैसे मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि यदि 80 नंबर लेके कैंडिडेट यदि सिलेक्ट हुआ है और एक 60 नंबर या 70 नंबर लेके हुआ है, तो 80 नंबर वाले को ऊपर वाली पोस्ट, मतलब अधिकारी पोस्ट है, जो भी बड़ी पोस्ट है वो मिलेगी, और कम नंबर वाले को छोटी पोस्ट मिलती है, डायरेक्ट ज्वाइनिंग होती है, तो नंबर के आधार पर ही सीट मिलती है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि PNST में नंबर अच्छे से अच्छे आए, जितने ज़्यादा अच्छे नंबर रहेंगे उतनी अच्छी पोस्ट आपको मिलेगी। ठीक है, ये मतलब है जब जॉब आप करेंगे, जब आपको नौकरी लगेगी तो ज़्यादा अच्छी पोस्ट मिलेगी। ठीक है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, इसके बारे में बहुत जल्दी एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा, उसको आप देखिएगा। इसलिए मैंने कहा कि यदि आपको ऐसी जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को बेल आइकन से सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, जो भी बातें कमेंट में हमें बताइए, हम आपको रिप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो प्राइवेट कॉलेज में आपको एग्जाम देना पड़ेगा, परंतु PNST के थ्रू आप जाते हैं तो आपको फिर से एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, चाहे आप DHS कॉलेज से ट्रेनिंग कर रहे हो या DMHA कॉलेज से ट्रेनिंग कर रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको कहा है यदि आप ये 28,000 रुपये भी नहीं देना चाहते फीस के रूप में तो अच्छे नंबर लाइए, DHS में जाइए। यदि आप 28,000 रुपये दे देते हैं, कम नंबर आए तो 28,000 रुपये कोई बात नहीं, क्योंकि 22,000 रुपये जो है आपको स्कॉलरशिप मिल रही है, उसी में से 28,000 रुपये आपका वहाँ पर कट जाएगा या आप वहाँ दे दीजिएगा, तो कोई बड़ी बात नहीं, अलग से पैसा नहीं लगता है। ठीक है, तो बड़ी बात नहीं है DHS और DMA, बस PNST से कोई भी आपको DHS कॉलेज मिल जाए, बस आपकी जॉब सिक्योर, खत्म बात। ठीक है, तो ये बात देखो। अच्छा, अब मेन जो अपना वीडियो है काउंसलिंग के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको लेकर के काफी सारे कमेंट्स हमको आए, तो काउंसलिंग में कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला डॉक्यूमेंट है 10th का मार्कशीट जो है लगेगा, तो ये तो बिल्कुल आपके पास होता ही है। ठीक है, ये मार्कशीट प्लस प्रमाण पत्र सह होता है, साथ में है ना, आप देखेंगे वहाँ पे तो अंक सूची से प्रमाण पत्र ऐसा लिखा रहता है, तो ये जो भी है 10th का मार्कशीट जैसा आपका है बिल्कुल वही लगेगा ओरिजिनल वाला। 12th का मार्कशीट भी आपको लगेगा ना, 12th का मार्कशीट जो आपका ओरिजिनल है ये भी प्रमाण पत्र सह अंक सूची होता है, ये रहेगा। कास्ट सर्टिफिकेट यदि आपका डिजिटल नहीं है तो डिजिटल आप बना लेंगे किसी भी CSC सेंटर से, यानी लोक सेवा केंद्र सेंटर से, आपके गांव में, शहर में, आपके एरिया में लोक सेवा केंद्र होगा कहीं ना कहीं, वहां पर से आप बना लेंगे, या कलेक्ट्रेट में जाइए या जो भी तहसील वगैरह है वहां पे रहता है, आप अपने अपने एरिया की तहसील में कलेक्ट्रेट में जाकर के वहां से CSC सेंटर से आप बना सकते हैं। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट आपका लाल वाला जो अपने MP में चलता है, लाल वाला मैनुअल वाला होगा, तो उसको आप डिजिटल कर लीजिएगा। ठीक है, डिजिटल 2 से 3 दिन में हो जाता है, आवेदन करिए 3-4 दिन में बन जाता है। ठीक है, आसानी से बन जाता है, पुराना लेके जाइएगा नया बना लीजिएगा, वहाँ पे एक आवेदन होता है, आवेदन को भर करके जो है आप वहाँ पे इनपुट कर देंगे तो वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, 2-4 दिन बाद जाकर के आप ले सकते हैं, 1 सप्ताह के अंदर लगभग बन जाता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि काउंसलिंग में डेट आ गई, आप आराम से बैठे हैं सोए हुए हैं घर में और कल काउंसलिंग की डेट आ गई और आपके पास वक्त ही ना रहे और फिर लेट हो जाए, तो अभी आपके पास वक्त है। यदि आपके कट ऑफ आपके नंबर अच्छे आए हैं, और जो इसके पहले भी मैंने वीडियो में कट ऑफ दिया और आप लोग अन्य वीडियो भी देखते होंगे यूट्यूब पर, तो उसमें कट ऑफ में आपको लग रहा है कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा और काउंसलिंग में हमारा नंबर आएगा, काउंसलिंग हमको देना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तो ऐसी स्थिति के लिए इन सबको तैयार रख लीजिए। और नहीं भी मान लीजिए आता है इस बार, तो नेक्स्ट ईयर की तैयारी कीजिए, हताश निराश मत होइए। यदि 2-4-5 नंबर से आप चूक रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, है ना, ऐसा मत समझिए कि अभी जिंदगी खत्म हो गई है, अभी तो आप जस्ट 12th के बाद में एग्जाम दे रहे, हो सकता है BSc फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल ईयर में आप होंगे। ठीक है, या 12th के
जस्ट बात दिया होगा, तो अभी तो शुरू हुआ है, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट हो सकता है, वही बात नहीं हुआ तो नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए कोशिश कीजिए, अच्छी तैयारी कीजिए, अच्छी मेहनत कीजिए, ठीक है, और अच्छी तैयारी करके नेक्स्ट टाइम पे आप कर लीजिएगा, तो उस टाइम पे आपको जो है ये काम आ जाएगा। तो ये तो लगता ही है आजकल, आजकल जो कास्ट सर्टिफिकेट है और डोमेसाइल सर्टिफिकेट जो है, मूल निवासी प्रमाण पत्र, ये भी आपका डिजिटल होना चाहिए, ये भी आपको किसी ना किसी CST से बन जाएगा, तो ये दोनों को आप डिजिटल करवा लीजिए आज, नहीं तो कल आपको काम आना ही है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं फिर अपन किसकी, TC की, यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट। इसको लेकर के बहुत सारी जो है कंफ्यूजिंग चल रहा है, बहुत सारे डाउट चल रहे हैं। तो TC और CC मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो होता है उसी के अंदर कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है। आप लोगों ने देखा होगा इसके पहले भी ट्रांसफर सर्टिफिकेट आप लोगों ने जस्ट 12th से निकाल करके आप गए होंगे कॉलेज में, या मान लीजिए 10th से निकाल के आप, सॉरी 8th से निकाल करके 9th में आए होंगे, 10th निकाल के 11th में कहीं गए होंगे, तो TC आपने निकाला, उसी के नीचे में लिखा रहता है एक लाइन कि इनका चरित्र उत्तम है, अच्छा है, तो वही जो है TC में ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट रहता है, उसको अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो हाँ अच्छा, यहाँ पे अब एक बात का ध्यान रखना है कि TC किस क्लास की लगेगी। मेन समस्या आ रही है सर, TC कहाँ की लगेगी, मतलब 12वीं की लगेगी, कॉलेज की लगेगी। तो देखो, आपने फॉर्म भरा है तो फॉर्म में एक चीज़ आई हुई थी कि लास्ट एकेडमिक ईयर आपका क्या है, आप किस एकेडमिक ईयर में, लास्ट एकेडमिक ईयर क्या है, आपने क्या पढ़ा है। तो जिसने जस्ट ट्वेल्थ पास आउट हुए हैं उसके बाद दिए हैं तो 12th की लगेगी मास्टर्स। पर अभी क्या हुआ है कि 12th की आप, सॉरी TC 12th की TC आपके पास थी, पर आपने अभी क्या किया है कि BSc में एडमिशन ले लिया है या किसी और में, जनरली बायो वाले तो BSc में एडमिशन लिया होगा या किसी और टेक्निकल कोर्स में आपने एडमिशन ले लिया है, चाहे आप ITI कर रहे हो, पॉली कर रहे हो, BE कर रहे हो जो भी, और ऐसे मतलब मेडिकल संबंधित जो भी दूसरे कोर्स, उसमें आपने एडमिशन लिया है, आपने PNC से एग्जाम दिया, आपने बोला है, आपने लास्ट एकेडमिक ईयर यहाँ पे पूछा था कि क्या है, तो आपने 12th डाला है, तो 12th की आपको TC मांगेगा, परंतु 12th की ओरिजिनल TC तो आपने कहाँ जमा कर दी है, कॉलेज में जमा कर दी है, अभी आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले चुके हैं, तो अब क्या करेंगे, तो जब यहाँ पे TC लगेगी, ठीक है, तो याद रखिएगा उसकी फोटोकॉपी आपके पास होगी, ठीक है, फोटोकॉपी करवा के आपने रखा होगा, वो फोटोकॉपी से काम चल जाएगा। यदि फोटोकॉपी नहीं है तो दूसरी बात ये कि जिस स्कूल से आपने 12वीं पास आउट किया है, यदि वो स्कूल आपको उसकी दूसरी कॉपी दे देता है, बना करके फिर से दे देता है, तो वो काम आ जाएगी। और यदि वो भी नहीं होता है तो तीसरी बात ये कि जिस कॉलेज में आपने जमा किया है, ठीक है, TC वहाँ से यदि आप ले सकते हैं तो वहाँ से ले लीजिए। पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि यदि आपको जब तक श्योर ना आप हो जाएं, मतलब जब तक आपका PNST में सिलेक्शन नहीं हो जाता, तब तक यदि आपने कॉलेज में एडमिशन लिया हुआ है तो कॉलेज का एडमिशन कैंसिल नहीं करना, रद्द नहीं करना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपने PNST काउंसलिंग में भाग लेना, अलग बात है, काउंसलिंग में चले गए मतलब सिलेक्शन नहीं होता है। काउंसलिंग में तो ऐसा है कि 50 नंबर वाले को भी काउंसलिंग में बुला लेगा, पर सिलेक्शन पता चला कि 55 के ऊपर हो रहा है, तो 50 से 55 के बीच के 5 नंबर वाले लोग बाहर हो जाएंगे, तो फिर आपस यदि आप मान लीजिए कॉलेज से अपना TC लेकर के कैंसिल एडमिशन कैंसिल करा लेते हो, तो बाद में फंस जाओगे, ना कॉलेज के रहोगे ना ही PNST के रहोगे, तो इस बात का भी ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, जिसका श्योर सिलेक्शन है, जो 80 के ऊपर नंबर लेके आया, जो 70 के ऊपर नंबर लेके आया, उसको लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन तो होना ही है, तो एक अलग बात है, पर इससे पहले, क्योंकि कुछ भी नहीं कह सकते, क्राइटेरिया, रोस्टर और रिजर्वेशन की प्रोसेस में बहुत कुछ गड़बड़ हो जाती है, बहुत कुछ इधर उधर हो जाता है, तो सबसे पहले आप क्या करें, 12th की मार्कशीट जो है पुराने स्कूल से जहाँ से आपने पास आउट किया, वहाँ से आप उसको दूसरी कॉपी ले लीजिए उसकी, यदि मिल जाती है तो, नहीं तो आपके पास फोटोकॉपी 12th की रखी होगी, क्योंकि फोटोकॉपी करा के अपने पास तो अपन रखते ही हैं एक दो कॉपी, तो वो होगी, उससे काम हो जाएगा, और नहीं तो आप जो है एक स्पेसिमेन कॉपी जो है कॉलेज से आप ले सकते हैं। एडमिशन रद्द नहीं कराना, सर हमको यहाँ पे ज़रूरत है, एक आवेदन करके जो है PNST में हमारा काउंसलिंग का आया है, अभी सिलेक्शन होगा नहीं होगा, ठीक है, उसके हिसाब से आवेदन करके आप वहाँ से TC ले लीजिए कॉलेज से, और वो TC जहाँ पे जमा कर सकते हैं ओरिजिनल, ठीक है। यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है, PNST में हो गया, फाइनल लिस्ट में आपका नाम आ गया, काउंसलिंग होने के बाद फाइनल कट ऑफ में आपका नाम आ गया, आपका सिलेक्शन हो गया, आपको कॉलेज में बुलाया जा रहा है कि फलाने ज्वाइन कीजिए, है ना, तो याद रखिएगा। एक बात और है, जो काउंसलिंग होती है ना, काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होता है, वो तो अभी पहले रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद में ऑनलाइन काउंसलिंग होगी, तो ऑनलाइन काउंसलिंग में सिर्फ आप कॉलेज चूज करेंगे और बस आपका उसके हिसाब से लिस्ट आएगी, तो आपको जो डॉक्यूमेंट जमा करने होते हैं, जब कॉलेज में आपका एडमिशन, जिस कॉलेज में आपका एडमिशन होता है, जो कॉलेज आपको प्रोवाइड करा जाता है, जो मिलता है कॉलेज, उस कॉलेज में काउंसलिंग की लिस्ट आने के 7-10 दिन के अंदर जाकर के आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता है। तो मैं पहले यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि TC जो है अभी से मत निकालिएगा, पहले काउंसलिंग करा लीजिए, काउंसलिंग में नाम आ जाए, आपको कॉलेज मिल जाए, क्लियर हो गया कि हमको फलाना कॉलेज मिल चुका है और हम आप PNST में सिलेक्ट हो चुके हैं, उस टाइम पे आप कॉलेज का एडमिशन कैंसिल करा के वहाँ से ओरिजिनल TC लीजिएगा। और जब आप कॉलेज में जाते हैं, जब वहाँ पे एडमिशन लेने के बाद, जब वहाँ रहने के लिए, यहाँ ट्रेनिंग करने के लिए जब जाते हैं, उस टाइम पे आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने पड़ते हैं, साथ में डॉक्यूमेंट लेके जाने होते हैं,
ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा पहले के पहले ही आपको, मतलब जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तब होगा जब आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा, आपको कॉलेज अलाट हो जाएगा, उसके बाद ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो पहले के पहले आप कॉलेज से टीसी या मत निकालिएगा, कॉलेज का एडमिशन कैंसिल मत कराइएगा। हो सकता है कि आपका, आपने काउंसलिंग में नाम, काउंसलिंग तो करा लिया है, पर हो सकता है कट ऑफ में नाम ना आए, और इस बीच आपने कॉलेज से टीसी ले लिया है, वापस ले लिया है, कॉलेज में एडमिशन कैंसिल करा दिया है, तो फिर और मान लो कि आपका कट ऑफ में लिस्ट में नाम नहीं आया, आपको कॉलेज नहीं मिला, तो आप ना ही पीएनएसटी के रह जाओगे और ना ही बीएससी के रह जाओगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं और उनका साल खराब होता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, टीसी कब निकालेंगे कॉलेज से, जब आपका फाइनल कॉलेज लिस्ट में नाम आ जाए, कॉलेज आपको मिल जाए, तभी निकालना, क्योंकि लिस्ट आने के बाद, ऑनलाइन लिस्ट आती, तो लिस्ट आने के बाद जब आपको मालूम हो जाए कि हाँ हमारा नाम आ गया है, लिस्ट में हमारा नाम है, उसके बाद ही आप कॉलेज से एडमिशन कैंसिल कराना, क्योंकि नाम आने के 10 सप्ताह भर और 10 दिन के अंदर उस कॉलेज में जाकर के आपको अपना जाकर के जो है उपस्थिति दर्शानी पड़ती है, और उस वहाँ कॉलेज में जब जाओगे तब आपको सारे अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो वहाँ पे दिखाने होते हैं। ठीक है, ये काउंसलिंग पहले के पहले नहीं होता, जब आपका नाम आ जाएगा, फाइनल हो जाएगा, जिन जिन लोगों के नाम आए 810 लोगों के या DHS के मिलाकर के 1370 लोगों के नाम आ गए हैं, उनके बाद ही उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, पहले के पहले नहीं। जिनका सिलेक्शन होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन केवल उन्हीं के होंगे, जो काउंसलिंग में भाग तो लिए हैं पर सिलेक्शन में नाम नहीं आया उनका फाइनल सिलेक्शन में, तो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होता, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, छठवीं बात की अपन बात करें तो फॉर्म और TAC, जो आपने फॉर्म भरा है उसकी एक रिसिप्ट मिली है आपको, उसको भी संभाल कर रखिएगा, और टेस्ट एडमिट कार्ड जो आपने एग्जाम देने में यूज़ किया था, तो आधा भाग उसको दे दिया होगा फाड़ करके, आधा भाग आपके पास रखा होगा, उस आधे भाग को संभाल के रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट कलर फोटो, कलर्ड फोटो रहेंगे कितने, 4 कलर्ड फोटो आपको रखना है, जो आपने उस टाइम फॉर्म में लगाया था, ध्यान रखिएगा जो उस टाइम आपने फॉर्म में लगाया था वही फोटो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, नहीं है तो बनवा लीजिए, ठीक है, वही फोटो बन जाता है नेगेटिव वगैरह से, जैसा भी देखिए नंबर नंबर से बन जाता है, तो जो फोटो आपने फॉर्म में लगाया, जो आपके टेस्ट एडमिट कार्ड में भी फोटो होगी, वही वाली फोटो 4 आपके पास होनी चाहिए। यदि नहीं भी है तो उसके लिए भी ऑप्शन है, दूसरा फोटो लगा सकते हैं, ठीक है, चल जाता है, पर कोशिश कीजिएगा वही हो। ID प्रूफ नेक्स्ट है, ID प्रूफ जो है आपका आधार कार्ड हो सकता है, बिल्कुल ये बायोमेट्रिक वाला, और आपका मोबाइल नंबर उससे लिंक हो ऐसा वाला होना चाहिए, और एग्जाम आपने दिया है तो वो तो होगा ही। ठीक है, तो अपना कोई सरनेम अननेम नाम वाम में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर भी ध्यान रखना, 10th 12th की मार्कशीट, जाति प्रमाण 10th 12th की मार्कशीट है ना, इसमें कोई नाम वाम में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए कि 10th में कुछ और नाम है, स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक है, सरनेम है नहीं है, कुमारी श्रीमती लगा, जो कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, जैसा 10th की मार्कशीट में नाम है आपका, आपका नाम, पिता का नाम, मम्मी का नाम जो भी है, ठीक है, तो वो भी 12th में होना चाहिए, वैसा ही आपका आधार कार्ड वगैरह में भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये गड़बड़ जाती है कई बार, तो आप काउंसलिंग से चूक जाते हैं, आपको बाहर कर देते हैं। ठीक है, तो आधार कार्ड होना चाहिए, यदि आधार कार्ड नहीं है, आधार कार्ड तो वैसे है ही, क्योंकि आजकल तो जन्म लेते से आधार कार्ड बन जाता है, तो सबका होगा ही बिल्कुल। और दूसरा ऑप्शन है पैन कार्ड, आप यूज़ कर सकते हैं पैन कार्ड, ठीक है, पैन कार्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, सबसे अच्छा तो आधार कार्ड है और सबका है भी, और नहीं है मान लो किसी कारण से, तो पैन कार्ड है, बैंक पासबुक है, इनका भी प्रयोग आप ID के रूप में कर सकते हैं। इस तरह से ये 8 डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लगने वाले हैं, है ना, 10th 12th की मार्कशीट आपके पास है, कास्ट और डोमेसाइल, मूल निवासी प्रमाण डिजिटल यदि नहीं है तो बनवा लीजिए। ठीक है, TC जो है वो लास्ट ईयर लास्ट क्लास की लगेगी, और इसके लिए मैंने कंडीशन आपको बता दी है ना, जो है फॉर्म और फॉर्म और TAC जो है उसका ध्यान रखना है, फोटो और ये, यहाँ पे खास बात है, ये जो परेशानी आपको आ सकती है वो इसका विशेष ध्यान रखेंगे, जो मैंने आपको बताया कि TC और CC तब तक नहीं निकालिए जब तक आपका फाइनल लिस्ट में नाम ना आ जाए और कॉलेज जो है आपको अलाट ना हो जाए। जब आपको कॉलेज अलाट हो जाए तो 7 दिन से 10 दिन का आपको टाइम मिलता है वहाँ पे ज्वाइनिंग करने का, इस दौरान फ्राक से जाकर के आप कॉलेज से अपना एडमिशन कैंसिल करा के TC वहाँ से वापस ले लीजिएगा, और उसी TC और बाकी डॉक्यूमेंट को आप जाकर के वहाँ पे अपनी काउंसलिंग में शामिल कर सकते हैं, उसको चेक करा सकते हैं, ठीक है, वेरिफिकेशन करा सकते हैं। तो इस तरह से सारा जो प्रोसेस है डॉक्यूमेंट का ये रहेगा। अब कई वीडियोज़ में आप देख रहे हो जो राजस्थान का है, छत्तीसगढ़ का है, या UP का है, या बिहार का है, तो वहाँ पे अलग अलग डॉक्यूमेंट और अलग अलग क्राइटेरियाज मांगा जा रहा है, तो वो अन्य की बात है। इसलिए जब आप वीडियो देखते हैं तो जो MP के लोग हैं वो देख लीजिएगा कि जो MP के लिए क्या क्राइटेरिया, क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना। तो राजस्थान जैसे कई बार मैं देख रहा हूँ कई लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, वो राजस्थान के वीडियो देख रहे हैं किसी G2 चैनल पे, और वहाँ पे कुछ और क्राइटेरिया होगा कि सर वहाँ तो जो है मतलब ऐसा मांग रहा है, वैसा मांग रहा है, इस डेट के बाद का ये मांग रहा है, इस डेट के बाद का वो मांग रहा है, तो ऐसा वहाँ का होगा, अपने आप पे ऐसा कुछ नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो थैंक यू, मैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहा हूँ, ठीक है, 1 से 2 दिन में वीडियो आपको मिल जाएगा,
और मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूँ कि पीएनएसटी या बीएससी प्राइवेट नर्सिंग आप करते हो तो इसके बाद गवर्नमेंट जॉब या यहाँ पे जो जॉब होगी वो तो मैंने पहले बताया कि आपको अलग से इंटरव्यू एग्जाम देना पड़ता है, फिर जॉब लगती है। और इसके थ्रू जब होती है, पीएनएसटी के थ्रू आप जा रहे हो, 4 साल की ट्रेनिंग करोगे और 4 साल साढ़े 4 साल के बाद जब जॉब लगेगी तो किस किस पोस्ट पर जॉब लगेगी। अभी स्टाफ नर्स आपके दिमाग में घुसा, स्टाफ नर्स के अलावा और भी बहुत सारी पोस्ट होती है। इसमें एक ही पोस्ट स्टाफ नर्स ही नहीं है, CHO होता है, स्टाफ नर्स होता है, इसके अलावा और भी पोस्ट होती है, छोटी बड़ी पोस्ट, ठीक है। इन पोस्ट तो किन किन पोस्टों पर जो है वैकेंसी होती है, उनकी क्या क्या पेमेंट होती है, ठीक है, और कहाँ कहाँ इनको कार्य करना पड़ता है, इस बात को लेकर के मैं बहुत जल्द वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट लाइक करिए। थैंक यू, गुड लक।